सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मेमोरी साइज यानी कि KB, MB, GB, TB, PB के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है, तो ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NTA UGC NET दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी साइज़। अब देखिए हम नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं, हम सुनते हैं KB, MB, GB, आजकल जो भी फाइल है जैसे वीडियो होगी वो MB वगैरह में आती है, GB वगैरह में आते हैं। तो इसके अंदर हम जो मेमोरी साइज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी साइज़ जिसे कहा जाता है, सबसे छोटी मेमोरी होती है बिट होती है। बिट 1 और 0 इसका साइज से डिनोट किया जाता है और इसका सिंबल है वो छोटा भी होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास निबल होता है, निबल के अंदर 4 बिट्स होती है। उसके बाद आती है दोस्तों बाइट्स आती है, बाइट्स को हम बड़े बी से डिनोट करते हैं और इसके अंदर 8 बिट्स होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास किलोबाइट जिसे हम KB भी कहते हैं और इसे के और बी यानी कि बड़े KB से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर 1024 बाइट्स होती है। और उसके बाद जैसे दोस्तों हमारे पास मेगाबाइट यानी कि MB, MB को हम डिनोट करते हैं MB से, बड़े MB से, और ये होती 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास गीगाबाइट GB और ये होते 1024 मेगाबाइट के। तो ये चीज़ इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अंदर एक चीज़ पूछी जाती है जो हमेशा क्वेश्चन पेपर के अंदर आती है, वो क्या करते हैं कि ये जैसे बिट दे देंगे, निबल दे देंगे, किलोबाइट दे देंगे, मेगाबाइट दे देंगे और GB दे देंगे, ये सभी वो रैंडम तरीके से देंगे और हमें इनको अरेंज करना होगा। सबसे पहले छोटी कौन सी होगी, फिर बड़ी कौन सी होगी, फिर बड़ी कौन सी होगी, इस तरीके से हमें उनको क्रमवाइज लगाना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी हमारी बिट है और फिर निबल है, फिर बाइट है, फिर KB है, फिर MB है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और, जैसे वो कई बार ये पूछ लेते हैं कि 1 MB इज़ इक्वल टू, वो देंगे बराबर में ऑप्शन में देंगे 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि MB है वो किसके इक्वल टू होती है और जो GB है वो किसके इक्वल टू होती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में देख लेना। और इसमें से और भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो हम धीरे धीरे जैसे वीडियो कर रहे हैं तो उसमें आपको बताएंगे। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास टेराबाइट यानी कि TB, इसके अंदर नॉर्मली 1000 GB मेमोरी पाई जाती है और एक्चुअल में इसमें 1024 GB यानी कि GB की मेमोरी होती है और इसे बड़े TB से डिनोट करते हैं। फिर आता है दोस्तों पेटाबाइट, पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट होता है। तो इस तरीके से ये होती है दोस्तों। और वैसे तो इसके अंदर काफ़ी तरह की है मेमोरी, जैसे एग्जाबाइट हो गया, फिर GB बाइट हो गया, फिर UB बाइट हो गया, लेकिन नॉर्मली जो हमारे आम चलन के अंदर होते हैं वो दोस्तों टेराबाइट तक ज़्यादातर यूज़ में लाई जाती है। ये जो मेमोरी है दोस्तों, एक मिनट, ये जो मेमोरी है ये हमारी एक्स्ट्रा लेवल पे मेमोरी होती है, ये हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज़ नहीं होती। और इसके बाद में देखते दोस्तों और भी हमारे जो मेमोरी साइज़ है वो किस तरह से उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारी ट्रेडिशनल यूनिट, इसके अंदर देखते कि हमारी जो मेमोरी साइज़ है वो किस तरह का होता है। अब देखिए जो KB है किलोबाइट, ये हमने पीछे पढ़ा है 1024 बाइट के इक्वल होता है। और इससे अगर हम बाइनरी के अंदर देखें, बाइनरी के अंदर इसका साइज़ किसके इक्वल टू होता है, तो ये 2 की पावर 10 होता है दोस्तों। और मेगाबाइट यानी कि MB होता है 2 की पावर 20 होता है, गीगाबाइट के अंदर 2 की पावर
30 होता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब बाइनरी की बात आती है तो 10 की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाती है दोस्तों, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 30, 40, 50, यानी कि जो 2 की पावर है वो 10 के हिसाब से इंक्रीज होती जाती है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है इसको याद रखने का, बिल्कुल आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख के चलिए कि सबसे पहले हमारा के बी आता है, सबसे पहले के बी आता है, और फिर एम बी आता है, और फिर जी बी आता है, और फिर टी बी आता है। तो इस सिक्वेंस में याद रखिए आप, 1, 2, 3, 4, इस हिसाब से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, अगर मान के चलिए हमारे क्वेश्चन में आ जाए कि जी बी है वो कितने बाइनरी नंबर्स के इक्वल टू होता है, जो 2 की पावर वो कितनी होती है, वो हमें पूछ लिया जाए, तो वो आप कैसे करोगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अरेंज करना, सीरीज में लगाना कि जो जी है, जी बी है वो कितने नंबर पे आता है। तो अभी मैंने बताया कि के बी का 1 रख लिया हमने, एम बी का 2 और जी बी का 3, यानी कि ये 3 नंबर पे आता है। तो 3 नंबर पे जैसे 2 की पावर सबसे पहले क्या था, 2 की पावर 10 है दोस्तों, 2 की पावर 10, फिर 2 की पावर 20, और फिर क्या आएगा 3 नंबर पे 2 की पावर 30। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर टेराबाइट टीबी की बात करें तो 2 की पावर 40 होगा दोस्तों, और फिर पीबी वाइट का होगा 2 की पावर 50 होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ और है इसके अंदर, नंबर ऑफ बाइट्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके जो फर्स्ट 3, 4 से 5 जो यूनिट है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि के बी होता है 1024 बाइट के इक्वल होता है, एम बी होता है वो 1048576 बाइट्स के इक्वल होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो ये इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास डेसिमल फॉर कंपैरिजन। अब देखिए, हमने बात की थी पीछे डेसिमल और बाइनरी नंबर्स की, अब बात आती है हमारी डेसिमल की। जो हमारी के वी, एम बी, जी वी है वो डेसिमल के अंदर कितने कितने नंबर के इक्वल टू होते हैं, ये देखिए। किलोबाइट यानी कि के वी की बात करें तो 10 की पावर 3 होता है, एम बी की बात करें तो 10 की पावर 6 होता है, जी बी की बात करें तो 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। और इसके अंदर इसको भी याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। इसके अंदर देखिए 10 की पावर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, यानी कि 3 की जो टेबल है वो चल रही है, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी कि जो 10 की पावर 3 है वो इंक्रीज हो रही है, 3 के टेबल के अनुसार इंक्रीज हो रही है। और इसमें भी मैंने आपको वही पीछे जो तरीका बताया था कि आप सीरीज में रखिए, मान के चलिए ये पूछ ले कि जो टेराबाइट है वो इक्वल टू डेसिमल नंबर किसके होता है, तो वो हमें बताना है। तो आप देख लीजिए, टेराबाइट 4थे नंबर पे आता है, और 4थे नंबर पे आप सीरीज में लगा के देखिए, ये 10 जो 3 की टेबल है वो 4 तक 3 चौके 12, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और ये सभी देख लेना दोस्तों, जैसे टेराबाइट हो गया, पेटाबाइट हो गया, एक्जोबाइट हो गया, ये सभी के सभी यूनिट आप यहाँ पे देख लेना, ये बिल्कुल आसान है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें से आ चुका है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कई बार एग्जामिनर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार भी पूछ लेता है कि जो 1 MB है वो इक्वल टू होता है 1 मिलियन होता है, 100,000 होता है, 10 मिलियन होता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, शायद आपको याद होगा, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। अब देखिए, जो हिंदी लैंग्वेज है यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम है वो बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1,000 हो गया, और फिर हो गया 10,000, फिर 1 लाख हो गया, और फिर 10 लाख हो गया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या होता है दोस्तों, 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। तो इसके अंदर हमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि जो 1 KB होता है वो होता है दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ बाइट्स के इक्वल टू होता है। और उसके बाद में जैसे 1 MB है, 1 MB होता है दोस्तों 1 मिलियन के इक्वल टू होता है। और उसके बाद है दोस्तों 1 GB आता है हमारा, GB होता है 1 बिलियन के इक्वल टू होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद है दोस्तों TB होता है, 1 TB इक्वल टू होता है 10 ट्रिलियन के इक्वल टू होता है। और इसका इसको याद रखने का एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। ये अब देखिए दोस्तों, इसे याद रखना बिल्कुल आसान है हमारे लिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि यहाँ पे जैसे हमारा किलोवाइट केबी की हम बात कर रहे थे, तो केबी होता है हमारा 1000 के इक्वल टू होता है, और एमबी होता है हमारा 10 की पावर 6, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो हमें लगानी है। तो इसमें देखिए मैं एक थोड़ा सा लॉजिक आपको दिखाता हूँ, और एक रुकी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये 100 नहीं आएगा दोस्तों, ये हमारा जो इसमें आएगा दोस्तों 1000 के अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, ये जो रेड है ना यहाँ पे रेड होगा, सॉरी दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं आएगा इसका, ये कट कर देना, कोई नहीं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ कि अगर वो एग्जामिनर पूछ लिया जाए कि एग्ज़ाम के अंदर 1 MB है वो इक्वल टू होता है 10 मिलियन होता है, 100 मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है, 1 बिलियन होता है या 1 मिलियन होता है, तो अब देखिए 1 MB, MB के अंदर M आ गया, और यहाँ पे M यानी कि MM जो है वो मैच कर गया, तो 1 MB इक्वल टू होता है 1 मिलियन के इक्वल टू होता है। यहाँ पे आप एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं। और आगे हम बात करें जैसे कि टीबी की बात करें, 1 TB इज़ इक्वल टू, अब देखिए 10 ट्रिलियन, अब देखिए TT डबल T आ गया, तो टीबी के अंदर क्या होगा, TT TT 10 ट्रिलियन। इस तरीके से आप बिल्कुल छोटा सा लॉजिक लगा के इसको बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। अब इसमें बताइए 1 MB की हम बात करें तो ये इन साइज बाइट्स के अंदर किसके इक्वल टू होगा दोस्तों, ये आप बताइए मेरे को किसके इक्वल टू होगा। अभी हमने किया था देखिए 1 KB होता है, वो होता है हमारा 1 KB होता है 1024 के इक्वल टू होता है, और 1 MB किसके होगा दोस्तों, 1048576 मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों 1 MB हमारा होता है 1048576 बाइट्स के इक्वल टू होता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आगे इसके अंदर और क्या पूछा हुआ है, इन साइज़ KB, KB की बात करें कि 1 MB इक्वल टू कितने KB के होता है, तो ये होता है हमारा 1024 KB के इक्वल टू होता है। और अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें दोस्तों, 1 MB कितने बाइनरी नंबर के इक्वल टू होता है, तो इसके अंदर वही मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहले आप सीरीज़ के अंदर लगा लीजिए MB है वो कितने नंबर पे आता है, तो सबसे पहले आता है KB और फिर आता है MB आता है हमारा, MB क्या हो गया हमारा 2 नंबर पर हो गया, ठीक है। और बाइनरी नंबर के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो शुरुआत होती है 2 की पावर 10 और फिर 2 नंबर पर क्या आएगा 2 की पावर 20, तो जो हमारा बाइनरी नंबर के अंदर क्या होगा दोस्तों, 2 की पावर 20 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें डेसिमल की बात करें, तो डेसिमल के अंदर मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 3 से हमारी शुरुआत होगी, और जो MB है वो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे जब हम 3 की टेबल लेके जाएंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 10 की पावर 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम इंटरनेशनल नंबर की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया था 1 MB इक्वल टू किसके होता है, अभी मैंने बताया था 1 मिलियन के इक्वल टू होता है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये था हमारा 1 MB इक्वल टू 1 मिलियन। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं हम तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से मेमोरी साइज़ को याद रख सकते हैं। अगर एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ ले घुमा फिरा के, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको बस ये जो 3 से 4 टेबल मैंने यहाँ पे बना के दी हुई है, ये सभी के सभी आपको आनी चाहिए, और इसके बेस पे आप बिल्कुल आसानी से हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होगी इवनिंग की दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह से आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे एग्जामिनर हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए, तो ये PDF आप हमसे ले सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको दिसंबर 2019 तक तैयारी करवा रहे हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और या फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।